गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8, चैप्टर नंबर 7, हिस्ट्री। कल मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो बीच में ही भूल से वीडियो बंद हो गया वो टेक्निकल एरर के कारण। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो अगारीज थे, ये कमेटी थी किसकी, आयरन स्मेल्टर्स की। इन्होंने इनकी हेल्प कर दी थी, किनकी हेल्प कर दी थी, दोराबजी टाटा की, और एक और जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ट, उनकी मदद कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि जो छत्तीसगढ़ में हिल्स हैं, कौन सी हिल्स है, राजहरा हिल्स, यहाँ पर आपको आयरन ओर मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग ढूंढने गए, इन्हें वहाँ पे एग्जैक्टली वैसा मिल गया। पर ये लोग जब यहाँ पे प्लांट लगाना चाहते थे तो यहाँ पर पानी नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग प्लांट नहीं लगा पाए। पर क्या हुआ, वहाँ पे टाटा का प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट लगा, ठीक है। हाउएवर अगारीज हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ सोर्स ऑफ आयरन ओर दैट वुड लेटर सप्लाई दी भिलाई स्टील प्लांट। मतलब उन्होंने बता तो दिया था उनको कि यहाँ पर आपको आयरन ओर मिल जाएगा, उन्हें वो मिल भी गया था, लेकिन फिर इन्होंने यहाँ प्लांट नहीं लगाया। तो इन्होंने यहाँ प्लांट नहीं लगाया, बाद में भिलाई स्टील प्लांट लगा। तो भिलाई स्टील प्लांट में ये जो अगारीज हैं, तो इन्होंने भिलाई स्टील प्लांट वालों को भी बताया कि आपको यहाँ से ओर मिलेगा, और इन्होंने भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया आयरन ओर की। उसको तो नहीं कर पाए सप्लाई, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्लांट ही नहीं लगाया था। तो मिले स्टील प्लांट को सप्लाई की। फ्यू ईयर्स लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुबर्णरेखा टू सेटअप द फैक्ट्री इन एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद एक छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास, झारखंड उड़ीसा वाला जो एरिया है, उस जगह क्या था, अब यहाँ पे लिखा है ना, सुबर्णरेखा एक रिवर थी। तो वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास की बात है, झारखंड उड़ीसा वाले एरिया की पास की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक एरिया था साक्षी करके, ठीक है। वहाँ पे एक जो एरिया था साक्षी करके, तो वहाँ के एरिया का जो नाम, जैसे ही वहाँ पे प्लांट इस्टेब्लिश, इन्होंने सोचा कि हाँ यहाँ पर प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ के एरिया का नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिया गया। टू सेट अप द फैक्ट्री एंड एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर। हेयर देयर वॉज अ वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट। वहाँ पे क्या, उनको आयरन ओर भी मिल गया और पानी भी मिल गया। द टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912 में टिस्को खुली थी, ठीक है, मतलब टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। टिस्को वॉज सेटअप एट एन अपॉर्चुन टाइम ऑल थ्रू द लेट 19th century। अब जैसे एक मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे मौके पे चौका वाली बात हो गई, जब टिस्को खुला ना तो एकदम सही समय पर खुला, क्यों अभी हम देखेंगे। टिस्को वॉज सेटअप एन अपॉर्चुन टाइम ऑल थ्रू द लेट 19th century। इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। लिखा है इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि पहले तो इंडिया में बनता था आयरन ओर जो निकाला जाता था, उससे आयरन स्टील इंडिया में बनता था। फिर क्या हुआ, हम बाहर भेजते भी थे, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुल गई ब्रिटेन में, और यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट वगैरह में जाना बंद कर दिया, ड्यूटी बढ़ा दी। ऊपर से फिर क्या हुआ कि बाहर से ब्रिटेन से यहाँ आने लगा, तो आयरन स्मेल्टर्स का जो बिज़नेस था, लोकल आयरन स्मेल्टर्स का, बहुत कम हो चुका था। फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई तो और चला गया उनका बिज़नेस, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में हुआ था, 1912 में टाटा आई थी। अब टाटा जो आई थी तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान जैसे उधर पे उनको एक बूम मिला था ना, कैसे, जो आयरन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनको बूम मिला था वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो जो ब्रिटेन है उसमें इन्वॉल्व हो गया था, तो उनको बूट्स, उनकी ड्रेस कौन सप्लाई कर रहा था, इंडियन वीवर्स, ठीक है। और वो लोग क्योंकि यहाँ नहीं सप्लाई कर पा रहे थे, तो इंडिया में भी इंडियन वीवर्स कर रहे थे, ऊपर से ब्रिटेन में भी सप्लाई इंडियन वीवर्स कर रहे थे कॉटन टेक्सटाइल की, उनके बूट्स, उनकी ड्रेस भी इंडियन वीवर्स बना रहे थे, तो एक अच्छा खासा उन्हें मार्केट मिल गया, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में वो लोग इन्वॉल्व हो गए, तो वो लोग इस चीज़ में नहीं ध्यान दे पा रहे थे। सेम यहाँ भी था। ऑल थ्रू द लेट 19th century इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस। अब होता क्या था, जैसे जो रेलवेज अंग्रेज यहाँ पे ना रेलवेज बना रहे थे, क्यों बना रहे थे, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, ताकि क्या हो,
वो यहाँ से जो गुड्स ले जाएंगे तो उनको आसानी हो यहाँ से गुड्स ले जाने में, तो उन्होंने रेलवेज कंस्ट्रक्ट किए। तो रेलवेज में जो भी लोहा वगैरह लगता था ब्रिटेन से आता था, क्योंकि अब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया तो उनको रेलवे कंप्लीट करना था। तो वो लोग क्या किए, टाटा से आयरन एंड स्टील मंगाने लगे। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवेज वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उनको ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत, ब्रिटेन से तो पहले लोहा आता था, अब हमको लोहा, मतलब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें आयरन और स्टील चाहिए, आयरन और स्टील तो चाहिए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि क्या इंडिया में भी इतनी गुड क्वालिटी का जो लोहा है और स्टील है प्रोड्यूस होता होगा, वो यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन मजबूरी में उन्हें लेना इंडिया से ही पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश तो सप्लाई नहीं कर पा रहा था ना ब्रिटेन। बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। अब जो वहाँ पे स्टील प्रोड्यूस हो रहा था उससे क्या हथियार बनने लगे, ठीक है, तलवार वगैरह या दूसरे इक्विपमेंट जिसमें आयरन और स्टील यूज़ होता है। सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। अब इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश इन टू इंडिया, जो इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटिश से वो गिर गया। अब रेलवे को जो सप्लाई करना है तो वो अंग्रेज किस पे टिक गए, सपोर्ट लेने लगे टिस्को का, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। एज दी वार ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरिज व्हील्स फॉर दी वार। अब देखिए इसमें भी बहुत बेनिफिट है। सबसे पहली बात, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, हाँ हो रहा है। अब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हो रहे प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, इससे भारतीयों को सप्लाई हो रही है, मतलब टाटा जो है भारत में सप्लाई कर रहा था, ठीक है, पहले ब्रिटेन कर रहा था भारत में सप्लाई, अब क्योंकि वो लोग नहीं बना रहे भारत में सप्लाई कर रहा है। अब टाटा क्या कर रहा है, रेलवेज़ में भी सप्लाई कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, टाटा क्या कर रहा है, ब्रिटेन में भी सप्लाई कर रहा है। क्यों सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए उधर, ठीक है, वॉर में। इधर पे लिखा है एज दी वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स, शेल्स मतलब बचने योग्य, वो जो होता नहीं है जैसे ढाल टाइप, शेल्स बना के देना पड़ा, कैरिज व्हील्स बना के देने पड़े उनको वॉर के लिए। तो मतलब तीन टाइप से, तीन तरीके से बिजनेस इंडिया में बिजनेस प्रमोट हुआ, क्योंकि ब्रिटेन नहीं भेज रहा था, हम रेलवेज़ में भी सप्लाई कर रहे थे, भले अंग्रेज कह रहे थे हम उनको सप्लाई कर रहे थे, और फिर क्या हुआ उधर ब्रिटिश में भी, हाँ ब्रिटेन में भी हम भेजने लगे, ठीक है, उनके लिए शेल्स बनाने के लिए, कैरिज व्हील्स बनाने के लिए। बाई 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैनुफैक्चर्ड बाई टिस्को। मतलब 1919 तक जो कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 90% स्टील, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी स्टील टिस्को से लेती थी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर के रहते हुए टाटा इतना, जो टिस्को है वो इतना बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन गया था, बिगेस्ट इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील। एज इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ओकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड। अब जो वर्ल्ड वॉर वन था ना, हमारे लिए बेनिफिशियल था। क्यों वर्ल्ड वॉर वन हमारे लिए बेनिफिशियल था, कारण ये है वर्ल्ड वॉर वन हुआ ना जिसकी वजह से हमको, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कॉटन टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन दोनों हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों हमारे पहले अच्छे से फिर रुक गए, रुके किस लिए, ब्रिटिशर्स के कारण रुक गए। अब क्या हुआ, दोनों बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, वर्ल्ड वॉर वन के कारण। चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लिंक कर पाओगे, ठीक है ना। तो इन दी केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ओकर्ड ओनली वैन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया डिक्लाइन। जैसे ब्रिटिशर्स का इंडिया पे इम्पोर्ट, ब्रिटिशर्स जो भेज रहे थे इंडिया पे, इंडिया इम्पोर्ट कर रहा था, जैसे उनका प्रोडक्शन गिरा ब्रिटिशर्स का, अब वो इंडिया में नहीं भेज रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा इंडिया में ही, तो बढ़ा बढ़ा एज वेल एज़ हमने ब्रिटेन में भी भेजना शुरू किया, क्योंकि वो पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर भले हो रहा था लेकिन उनको कॉटन टेक्सटाइल्स तो चाहिए ना वहाँ के बाकी लोगों को पहनने के लिए या उनको पहनने के लिए, तो हमने भेजा। वॉर में लड़ने के लिए ड्रेस चाहिए, बूट्स चाहिए, वो भी हमने भेजा, ठीक है। एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल क्लास बहुत स्ट्रांग हो गई और ब्रिटिश जो है ना उभर ही नहीं पाया उसके बाद, ठीक है, मतलब एक हमने जो ऐसा पैर जमा लिया उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स उभर ही नहीं पाए, ठीक है। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब ऐसा हम सोच सकते हैं ना कि लड़ाई हो गई उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कोशिश तो की होगी कि हाँ हम फिर से आएँ यहाँ पर और वापस अपना सिक्का जमा लें, वापस ब्रिटेन से
गुड्स इंपोर्ट करें, लेकिन ऐसा फिर हो ही नहीं पाया। लिखा है मैंने, ब्रिटिश नेवर रीगेंड ओल्ड पोजिशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर। डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर मतलब यहाँ के इंडियंस ने डिमांड रेस की कि अब क्या है, अब वहाँ से बाहर से गुड्स नहीं आएंगे क्योंकि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। और मतलब पब्लिक क्या स्ट्रिक्ट हो गई ना, तो गवर्नमेंट को मानना पड़ा, नहीं तो फिर पब्लिक क्या करती, फिर हाथापाई पे आ जाती। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी ऑफ दीज डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बाद में कोशिश कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी कि कंट्रोल रिटेन कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दिस चैप्टर इज़ ओवर, कल से हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 मतलब कौन सा चैप्टर, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।